जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है चांद खान और आज मैं आपको सिखाऊंगा ऐश कलर करना। आप लोगों के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे, सर हमें ऐश कलर बताइए किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ब्लोंडर लेना है, ब्लोंडर के साथ आपको 30 वॉल्यूम डेविलोपर लेना है, दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको एप्लीकेशन करनी है विद फॉयल। फ्रेंड्स, फॉयल के साथ ही आप काम करेंगे तभी आपका ऐश कलर आता है। फ्रेंड्स, तो आपको एप्लीकेशन करने के बाद अपने फॉयल पेपर को अच्छे से क्लोज करके 50 से 60 मिनट वेट करना है। उसके बाद आप 50 से 60 मिनट कंप्लीट होने के बाद आप अपने फॉयल पेपर को ओपन करके चेक करिए आपका हेयर का लेवल कहाँ तक पहुंचा है। अगर आपका हेयर का लेवल 9 से 10 लेवल लिफ्ट हो चुका है तो फ्रेंड्स उसको आप अच्छे से रिंस करिए, शैम्पू करिए। आपको दो बार शैम्पू करना है और हर शैम्पू में आपको दो दो मिनट के लिए शैम्पू लगा के छोड़ना है। अच्छे से शैम्पू करना होता है, इसमें दो दो मिनट वेट करना होता है शैम्पू लगा के। उसके बाद आप अच्छे से रिंस करिए, रिंस करने के बाद आप टॉवल ड्राई करिए अपने हेयर को। टॉवल ड्राई करने के बाद आपको हल्का सा इसमें ड्रायर भी करना है, 100% ड्राई नहीं करना होता है, ठीक है। तो मेरे ये क्लाइंट हैं, इनको एश एंड गोल्ड दोनों ही टोन चाहिए फ्रेंड्स, तो मैं इसमें लोरियल कंपनी का वेरी वेरी लाइट ब्लोंड एश रिफ्लेक्ट टोन करूंगा इनको। तो मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ कलर की, आपको भी कलर की एप्लीकेशन करके 15 से 20 मिनट वेट करना है फ्रेंड। 15 से 20 मिनट आपकी कंप्लीट होने के बाद आप अच्छे से शैम्पू करेंगे, मास्क लगाएंगे और उसके बाद आप स्टाइलिंग वगैरह करेंगे। तो अभी मेरे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 10 बज चुके हैं रात के, तो मेरे पास इतना समय नहीं है मैं कि इनके हेयर में स्टाइलिंग कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग स्टाइलिंग जरूर करें, ऐसी वीडियो देखने के लिए फॉलो जरूर करें।